नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस से एक फिर से दुखद समाचार। अपने जीवन यापन के लिए लोग खेती करते हैं और ऐसे में अगर खेतों में जाते वक्त या फिर खेतों में किसी को करंट लग जाए और उसकी मौत हो जाए तो परिवार पर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। क्योंकि आज जिसकी मौत की खबर मिली है, वैसे तो मौत कल शाम की बताई जा रही है, कल की बताई जा रही है। राजकुमार, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, घर में दो छोटे बच्चे हैं, दोनों बेटे बताए जा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग, गांव के लोग, गांव प्योंद से यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। करनाल के शव गृह के बाहर इस वक्त हम भी मौजूद हैं और अपने आप में बेहद दुखद समाचार है। क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता होता। घर से हर कोई अच्छा भला ही निकलता है, लेकिन ऐसे में क्या घर पर क्या समाचार आ जाए किसी को नहीं पता होता। आपका क्या नाम है, कौन लगते हैं आप राजकुमार जी? मेरा नाम शिशपाल है जी, मेरा भाई लगा जी, ये चाचा का लड़का है जी। क्या उम्र थी इनकी? इनकी 32 साल उम्र है जी। क्या नाम क्या था इनका? राजकुमार जी। घर में कौन कौन है इनके? घर में ये कि इसकी घरवाली है, दो लड़कियाँ जी, एक 10 साल का जी, एक 8 साल का। यही कमाने वाले? हाँ, यही कमाने वाले। माता पिता? उनकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई थी, यही रह रहे थे घर में। हाँ। कल हुआ क्या था? ये मेहनत कर रहे थे दिहाड़ी, मेहनत जावा जी, एक स्विच में करंट आ रहा था, उसको उठाने लगे करंट आ रहा, एक साथी और था। कौन सा स्विच में करंट आ रहा था? वो उठाने का हुआ जी, थोड़ा दिक्कत थी उसमें जी, मोटर वगैरह का। हाँ जी, उसमें जी, उसमें करंट आ रहा। हाँ, उसमें एक साथी और था जी, फिर उसने देखा, उन्होंने रोड़ा राड़ा पाया जी, उसे उठा के यहाँ ले आए जी, फिर यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। तो तुरंत वहीं डेथ हो गई या हॉस्पिटल पहले लेकर आए? ये नहीं पता जी, वहीं तुरंत हुई कि यहाँ हुई जाके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिशपाल सिंह है जी। कौन लगते हैं आप? मैं गांव से ही हूँ जी। तो कल किस समय की घटना है ये? 5:30 बजे के करीब की घटना है। हाँ जी, हाँ जी, शाम की। तो ये खेत में काम कर रहा था, अपने ही खेत में काम कर रहा था, तो जैसे ही लाइट को पता चला मोटर नहीं चल रही थी, तो ये स्टार्टर का बटन दबाने के लिए गया, तो उसमें करंट आया हुआ था, जिसके कारण इसको करंट लगा। इसने करंट लगा तो इसने आवाज़ लगाई साथ वाले को कि मेरे को करंट लग गया। जितनी देर में वो आया तो ये गिर गया था, बेहोशी के हालात में हो गया था। तो फिर इसको यहाँ लेके आए तो डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया था कि डेथ हो चुकी है। तो मैम, घर में कोई नहीं है कमाने वाला, यही था पूरे गांव में मातम का माहौल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत। तो पहले जब ये छोटे छोटे थे, 3 भाई हैं ये, तो माता पिता की डेथ हो गई थी छोटे छोटे, तो अपने आप ही मतलब पले बड़े हैं। उसके बाद अब ये इनके बच्चे छोटे हैं तो इसकी डेथ हो गई। तो आप देखिए कि राजकुमार जी के बारे में जानकारी है कि वो जब खुद बचपन में थे, जब खुद छोटे थे, और ऐसे में उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और अपने पीछे आज वो दो छोटे बच्चे छोड़ गए हैं जो बिना पिता के पलेंगे सारी उम्र और अपने पिता को याद करेंगे। और बड़ा ही ज़्यादा दुखद हो जाता है, बड़ा ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी स्थिति रहती है जब बच्चों को पिता के बिना पलना पड़े। आपका क्या नाम है राजकुमार जी? क्या आप कौन लगते हैं? मेरे चाचा का लड़का जी, बलवान सिंह मेरा नाम है, गाँव प्योंद से। प्योंद से जी। क्या जानकारी मिली थी? बस वो खेत में काम करने के लिए गए थे जी। कितने सालों से खेती कर रहे थे? बस जब से अपने मतलब ये टाइम संभाला उन्होंने, माता पिता की पहले डेथ हो गई थी। तब वो कितने साल के थे जब उनके माता पिता की डेथ हुई? शायद ये भी होंगे कोई 18-20 साल के उस टाइम। ये छोटे ही थे? छोटे ही थे तब, जब माता पिता का साया छूट गया था इनसे। तो उनके बाद तो इन्होंने, माता पिता को तब हुआ क्या था अचानक से, दोनों की एक साथ डेथ हुई थी? बस डैडी तो शायद थोड़ा अटैक में हुए थे, तो मदर बीमार हो गई थी जिनकी, बीमारी के कारण इनकी माता जी गुजरी थे। तो उसके बाद इन्होंने अपना थोड़ा पालन पोषण चाचे ताऊ के सहारे से किया। जब अपना टाइम, खुद के घर में दो छोटे बच्चे हैं? दो छोटे बच्चे हैं खुद के जिनकी, एक बीवी है, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, मजदूरी का काम करते थे, बस यही पालन सालों से कर रहे हैं। तो मजदूरी जब से अपना टाइम संभाला जिन्होंने, अपनी एज में आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, बस उसके बाद तो मजदूरी करनी थी, गरीब आदमी है, कोई सहारा तो है नहीं, ज़्यादा स्टडी बेस पे। कल का दिन बड़ा मनहूस था? मनहूस था जी, कल का बड़ा दिन मजदूरी पे गए थे अचानक। कितने बजे घर से आए होंगे खेत में? सुबह अपना मजदूरी के लिए निकले जाते हैं जी, 9 बजे से के आसपास। तो सुबह से खेतों में थे? सुबह से खेतों में थे, सुबह से खेतों में थे, लेकिन ना जाने
ऐसा कौन सा दिन था उनके लिए, कौन सी मनहूस घड़ी थी कि उन्हें नहीं पता था कि जिस मोटर के स्टार्टर को वो चलाने लगे हैं उस स्टार्टर में ही करंट आ जाएगा जिसे ऊपर उठाना होता है, और ऐसे में उठाते उठाते उन्हें करंट लग गया। जितनी देर में वो चिल्लाए, जितनी देर में उन्होंने आवाज़ें लगाई कि मुझे बचा लो, मुझे करंट लग चुका है, इतनी देर में जब दूसरा उनका साथी वहाँ तक पहुँचा तब तक वो बेसुध होकर गिर गए, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया और यहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। और आज आप देख सकते हैं उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, और उसके बाद प्योंत के जो यहाँ पर तमाम लोग, राजकुमार जी के तमाम रिश्तेदार यहाँ पर खड़े हुए, उनका शव गाँव में लेकर जाएंगे। और गाँव में बहुत ही ज़्यादा मातम का माहौल है क्योंकि घर में उनके दो छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता का इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुँचे आप तक।